Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 50. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक technology and automotive enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon. So you'll get notified every time I post a new video. इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो 1.5 साल पहले मेरे YouTube के जर्नी की शुरुआत की थी, आज उस जर्नी में हमने एक माइलस्टोन रीच कर लिया है और मेरे चैनल पर चलने वाले इस वीकली न्यूज़ सीरीज़ को, यानी जिसे आज सब लोग फ्यूमो ईवी न्यूज़ इस नाम से जानते हैं, इस सीरीज़ के 50 आइट्रेशंस कम्प्लीट हो चुके हैं एंड इट्स अ बिग डील फॉर मी. So I just want to thank each and every one of my subscribers and viewers जिन्होंने मुझे पहले दिन से सपोर्ट किया and I hope आगे भी करते रहेंगे. आपका सपोर्ट और आपके आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और हम बहुत जल्द 10 के सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा भी पार कर लेंगे. So thank you so much और अब आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस 50th वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा. So let's now get on with the news. तो आज की न्यूज नंबर 1 आ रही है इंडियन ऑटो जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा से. जैसे कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इस वक्त इंडियन मार्केट में उनकी गाड़ियों को अच्छे सेल्स नंबर्स के साथ बेचने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज उनकी तरफ से ऑफर की गई दो गाड़ियाँ, वन बींग महिंद्रा थार जो 15 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी, उसे खरीदने के लिए कई सिटीज़ में 10 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड है. और उनके तरफ से जो लेटेस्ट ऑफरिंग है विच इज़ द XUV700, उसके भी अक्टूबर 2021 में मोर देन 3400 यूनिट्स बिक चुके हैं, विच मेक्स इट दी मोस्ट सेलिंग SUV इन दैट सेगमेंट. लेकिन अब आप पूछोगे कि इन गाड़ियों के सेल्स फिगर्स के बारे में हम इस चैनल पर बात क्यों कर रहे हैं. आई मीन इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ, इसलिए आप लोगों को अभी के मार्केट सिचुएशन का थोड़ा प्रेमिस बता दिया. सो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रिसेंटली बताया कि वो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया में 16 EV मॉडल्स को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं. जी हाँ, 16 EV मॉडल्स. अब महिंद्रा एंड महिंद्रा जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो ₹3000 करोड़ EVs में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं एंड इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ न्यू ब्रांड नेम फॉर द इलेक्ट्रिक SUVs दैट इट विल लॉन्च बाय 2027. अब इन 16 नए EVs में से 4 नए इलेक्ट्रिक SUVs 2025 से लेकर 2027 के बीच में लॉन्च की जा सकती है. अगेन आई एम सेइंग लॉन्च की जा सकती है, इट्स स्टिल वे अहेड इन टाइम और इसमें आगे चेंजेस हो सकते हैं. और उसके साथ ही उनका जो लाइट कमर्शियल व्हीकल या फिर LCV सेगमेंट है, उस सेगमेंट में 8 EVs को लॉन्च किया जाएगा आउट ऑफ 16 न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस विच आर प्लान टू हैपन बाय 2027. ये एक बड़ी न्यूज़ है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन कार मेकर फ्रॉम इंडिया. और इसी न्यूज़ के साथ हमें रिसेंटली KUV100 के इलेक्ट्रिक वर्जन के भी स्पाई शॉट्स देखने को मिले थे और इसे मैंने प्रीवियसली मेरे वीकली न्यूज़ अपडेट में कवर भी किया था. अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस. और ऐसा कहा जा रहा है कि KUV100 EV शायद इंडिया की सबसे अफोर्डेबल EV बन सकती है और उसकी प्राइस ₹10 लाख से नीचे रखी जा सकती है. सो आई एम काइंड एक्साइटेड टू सी मोर अबाउट दिस इन कमिंग टाइम. और अगर आप भी मेरी तरह
इस न्यूज से रिलेटेड सारे अपडेट्स को देखना चाहते हैं, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और आज की न्यूज नंबर 2 आ रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। दिस न्यूज एक्चुअली इज नॉट जस्ट अबाउट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसमें इंडिया में मौजूद सारे ऑयल PSUs और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात होने वाली है। बट इंडियन ऑयल इज द लेटेस्ट कंपनी टू ज्वाइन दिस रेस, और वो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, इसलिए उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि इंडियन ऑयल इज प्लानिंग टू सेटअप EV चार्जिंग फैसिलिटीज एट 10,000 फ्यूल आउटलेट्स ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ वक्त पहले मेरे वीकली EV न्यूज़ में BPCL या फिर भारत पेट्रोलियम के बारे में न्यूज़ दी थी, जहां मैंने बताया था कि वो अपने पेट्रोल पंप्स या फिर जिसे रिटेल आउटलेट्स कहा जाता है वहां पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने वाले हैं और उसके साथ साथ अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। अगेन यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। इंडियन ऑयल कंपनी प्लान्स टू सेटअप 50 किलोवाट EV चार्जिंग स्टेशंस एट एवरी 25 किलोमीटर्स एंड 100 किलोवाट हैवी ड्यूटी चार्जर्स एट एवरी 100 किलोमीटर टू बिल्ड अ नेटवर्क दैट विल प्रोवाइड कस्टमर्स इजी एक्सेस फॉर चार्जिंग देयर EVs ऑन द गो। वो अगले एक ही साल में अराउंड 2000 नए EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं, विच इज ऑलमोस्ट डबल इन नंबर्स when we compare it with what BPCL and HPCL is planning to do। और अगर सारे ऑयल PSUs को मिलाकर बात करें तो BPCL, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये सब मिलकर आने वाले 5 सालों में लगभग 22,000 EV चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने वाले हैं। सो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी से ग्रो और एक्सपांड हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग for all of us in the long run। So IOCL has now joined the race with other oil PSUs to set up EV charging infrastructure across the country। और हमें ये chargers बहुत जल्द हमारे आसपास के fuel pumps पर देखने को मिल सकते हैं। और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है ब्रिटिश EV स्टार्टअप वन मोटो से। वन मोटो लाइक आई सेड इज अ ब्रिटिश EV स्टार्टअप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए जाने जाते हैं, और रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि वो बहुत जल्द इंडिया में उनके स्कूटर्स को उतार सकते हैं। वो उनके लाइनअप में से 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को इंडिया में लाने वाले हैं, जिनके नाम है कम्यूटा, इलेक्ट्रा एंड बाइका। अब इनमें से जो कम्यूटा है उसमें 75 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर की जाएगी और उसे ₹1,20,000 के प्राइस पर इंडिया में उतारा जाएगा। और जो इलेक्ट्रा और बाइका है ये दो मॉडल्स में 150 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिलेगी और इसमें 4000 वॉट की पावरफुल मोटर दी जाएगी, विच इज़ कमिंग फ्रॉम बॉश। इन दो स्कूटर्स की प्राइस लगभग ₹1,85,000 से शुरू हो सकती है, और इन तीनों स्कूटर्स के साथ कंपनी एक ऐप ऑफर करेगी जिसे यूज़ करके कस्टमर्स उनकी गाड़ियों के परफॉर्मेंस और बाकी स्टैट्स को लाइव मॉनिटर कर पाएंगे। दिस ऐप कैन बी डाउनलोडेड ऑन एनी डिवाइस टू मॉनिटर पर्सनल राइडिंग हिस्ट्री, ग्रीन किलोमीटर्स एंड GPS टू बैटरी परफॉर्मेंस, बुक सर्विस रिपेयर्स, सर्च फॉर बैटरी बैंक्स, प्रेड टू मेंटेनेंस अलर्ट्स एंड इंटीग्रेशन विद पर्सनल स्मार्टफोन्स, ये सारे फीचर्स यूज़ कर पाएंगे। वन मोटो का हेडक्वार्टर इस वक्त हैदराबाद में है और वो बहुत जल्द मुंबई में अपनी ब्रांच खोलने वाले हैं, और उसके साथ ही ये कंपनी पैन इंडिया इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग को सेटअप करने का प्लान कर रही है। सो वी हैव वन मोर ब्रांड कमिंग ऑल द वे फ्रॉम UK टू इंडिया, और इनकी EVs इंडियंस को कितनी पसंद आती है और वो किस तरह से अपना नेटवर्क सेट करेंगे ये हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ बिकॉज ओनली टाइम will tell।
और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है मिनी इंडिया से। मैंने 2 हफ्ते पहले मिनी कूपर एसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इन डेप्थ इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात की है। अगेन, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब ऐसा पता चल रहा है कि मिनी कूपर एसी के बुकिंग्स October 29, 2021 को ओपन कर दिए थे, और मिनी इंडिया ने बताया कि बुकिंग्स ओपन होने के 2 घंटे बाद ही इस गाड़ी के सारे यूनिट्स सोल्ड आउट हो गए। वैसे मिनी इंडिया ने उनके पहले सेल में सिर्फ 30 यूनिट्स रखे थे, बट टू एवरीवन सरप्राइज ये सारे यूनिट्स देखते ही देखते सोल्ड आउट हो गए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिनी कूपर को इंडिया में कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, और ये शायद एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले समय में ये ईवी बहुत बड़े नंबर्स के साथ इंडिया में सेल होने वाली है। सो जैसा मैंने अपने मिनी कूपर एसी के वीडियो में कहा था कि मिनी कूपर को इंडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अब इस न्यूज़ के बाद वो बात ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिनी इंडिया फॉर गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम ईवी एंथुजियास्ट इन इंडिया। और आने वाले समय में मैं इस ईवी से रिलेटेड सारे अपडेट्स को मेरे वीकली न्यूज़ वीडियोज़ में कवर करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है मजेंटा से। मजेंटा इज अ सिटी बेस्ड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जिन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु में अपने 6 नए ईवी चार्जिंग हब्स को सेटअप कर लिया है, जिसमें 150 चार्जिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिक कमर्शियल फ्लीट व्हीकल्स के लिए यूज़ किए जाएंगे अक्रॉस की लोकेशंस इन बेंगलुरु। एंड मजेंटा ऑल्सो प्लान्स टू सेटअप 9 मोर ऑफ दिस फैसिलिटीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये सारे चार्जिंग हब्स फ्लीट में यूज़ किए जाने वाले ईवीज के चार्जिंग और मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे, और इनमें कंट्रोल पैनल भी दिया जाएगा जिसे यूज़ करके फ्लीट ऑपरेटर्स उनकी गाड़ियों के स्टेट ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग स्केड्यूल और व्हीकल सर्विस स्केड्यूल को मैनेज और सुपरवाइज कर पाएंगे। मजेंटा ऑल्सो सेड दैट इट हैज़ पार्टनर्ड विथ लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon India, Porter, Udaan, Big Basket, Jumbotail, etc. for third party and party last mile logistics services. और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन चार्जिंग हब्स को एनर्जी बैकअप सिस्टम के साथ डेवलप किया गया है। सो इवन इन केस ऑफ पावर आउटेज यह चार्जिंग हब्स फुल चार्जिंग को ऑफर कर पाएंगे फॉर ऑल दोज ईवी फ्लीट्स। दिस इज एन इंजीनियस प्लान फ्रॉम Magenta, और इससे बेंगलुरु में रन होने वाले ईवी फ्लीट्स को ज़्यादा कन्वीनियंस और इजी मेंटेनेंस ऑफर होने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बूस्ट वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनीज मेंशन अबव। सो बिग अप्स टू मजेंटा, और आने वाले समय में हमें इस कंपनी से और भी कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, एंड आई रियली होप दे कीप इम्प्रूविंग ऑन दैट एंड। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। तो आज का ये 50th एपिसोड ऑफ फ्यूमो ईवी न्यूज़ आपको अच्छा लगा, देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर इस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।